हेलो एवरीवन, दिस इज राज आनंद शर्मा एंड यू आर विद साइंटिफिक शर्मा। अगर आपको मैथमेटिक्स से डर लगता है, मान लीजिए कि आपका बैकग्राउंड साइंस नहीं है, या मान लीजिए आपका बैकग्राउंड साइंस है, आपने बायोलॉजी से पढ़ाई की है, या मान लीजिए आप अभी पढ़ाई कर ही रहे हैं, अभी तक आपकी पढ़ाई खत्म नहीं हुई है, या ऐसे भी केसेस हैं कि यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स, यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट्स, आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, या आपने पढ़ाई कंप्लीट कर ली, लेकिन भी आपके अंदर एक मैथमेटिक्स का छोटा सा डर बना हुआ है। आप मैथमेटिक्स से थोड़े से डरे डरे से थोड़े से समय समय से रखते हैं, तो आज आपके उसी डर को हटाने के लिए आए हैं, आज आपके उसी डर को मिटाने के लिए आए हैं। आपको आज से मैथमेटिक्स के छोटे छोटे लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, बहुत छोटे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, और बहुत छोटे कॉन्सेप्ट के साथ आपको मैथमेटिक्स सिखाने का काम करेंगे। तो उसी के साथ हम लोग जुड़े हैं, वीडियोस के एंड तक बने रहिएगा, और आज के बाद ऐसे ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते रहेंगे। आप हर दिन 10 मिनट 15 मिनट का समय निकालकर जरूर देखिए, आपको फायदे होंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियोस को शुरू करते हैं, बिना समय गवाए वीडियोस को शुरू करते हैं। कुछ बेसिक बताऊंगा, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का मैं आपको बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स बताऊंगा, मैथमेटिक्स की कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा, एकदम बेसिक चीजें। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं, अगर आप गणित सीखना चाहते हैं, अगर आप अपने अंदर से गणित का डर हटाना चाहते हैं, तो आपको एकदम छोटी चीज, कुछ टेबल्स याद होने चाहिए आपको, एटलीस्ट 10 to 15-20 तक का टेबल याद होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको कम से कम स्क्वायर याद होना चाहिए कि 1 का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर कितना, अप टू 20, कम से कम 20 तक स्क्वायर मतलब वर्ग याद होना चाहिए, कम से कम 20 तक। अगर आपको इतना पता है तो आज मैं आपको कुछ डेसिमल की चीजें बताता हूं, जिसको दशमलव भिन्न बोलते हैं, डेसिमल, डेसिमल की चीजें बताता हूं। और भी इससे बेसिक चीजें, वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, जातीय मान, स्थानीय मान, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, सब कुछ बताऊंगा। ये डेसिमल मतलब होता है दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न, दोनों मीडियम में मैं आपको बता रहा हूं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम में आपको मैं बताने का काम कर रहा हूं। इसको बोलते हैं दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न क्या होता है, उस चीज को सबसे पहले आप समझिए। मान लीजिए कि 10 है और इस 10 को 3 से भाग देने को कहा जाए, 10 को 3 से डिवाइड करने को कहा जाए, तो आप क्या करेंगे, 3 3 9 करेंगे, ये 1 आ जाएगा, यहां पर एक पॉइंट लगाएंगे और यहां एक 0 लगाएंगे, फिर से इसको जब आप 3 3 9 करेंगे तो फिर 1 आ जाएगा। एक पॉइंट मतलब एक 0 पहले से है, आपने अगर एक पॉइंट लगा दिया मतलब आपने एक 0 खरीद लिया, तो फिर से आप 3 3 9 करेंगे, 1 करेंगे, और ये इनफाइनाइट जिंदगी भर अगर आप करते रहेंगे तो इसका डिविजन जिंदगी भर होता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो ऐसे भिन्न को लिखने का तरीका होता है 3.3 के ऊपर ऐसे एक बार लगा दिया जाता है, और इस बार का मतलब होता है कि ये भिन्न कभी भी खत्म नहीं होगा, ये भिन्न कभी खत्म नहीं होगा, ये चलता जाएगा। मान लीजिए कि आपको लिखा गया है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, नोट करके लिखिएगा। मान लीजिए आपको लिखा गया है 9 divided by 10, 9/10, तो भिन्न कैसे निकालेंगे, बिना ये डिविजन का आप भिन्न कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप 0 काउंट कीजिएगा, 0 1 है, तो आप 9 एक नंबर, उसके आगे एक दशमलव लगा के 0 लिख सकते हैं, 0.9 हो जाएगा। मान लीजिए लिखा हुआ है 5 divided by 100, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप 0 काउंट कीजिएगा, 1 2, 2 0 है, तो आप क्या कीजिएगा, 5 और उसके आगे एक 0, मतलब पहला दूसरा 2 हो गया, और यहाँ एक 0, 0 काउंट नहीं करें, मतलब आप यहाँ 2 0 है ना, तो 5 के आगे यहाँ 2 नंबर आपको काउंट करना है, 2 नंबर काउंट करने के बाद उसके सामने आपको दशमलव लगा देना है। मान लीजिए लिखा हुआ है 3 divided by 1000, मतलब 3 नंबर है यहाँ, तो आप क्या करेंगे, 3 1
दो तीन, उसके आगे एक जीरो लगा देंगे। ये दशमलव लगाने का एक आसान तरीका होता है। या मान लीजिए इसी को अगर आप रिवर्स पढ़ते ऐसे भी लिख दीजिए, 3 divided by 10 to the power of 5, इसको आप क्या लिखेंगे, इसको 10 लिखेंगे, इस चीज को आप 10 to the power 2, 10 का घात 2 लिख सकते हैं, इसको आप 10 का घात 3 लिख सकते हैं, इसको आप 10 का घात 5 लिखे, 10 to the power 5, मतलब आप क्या करेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसके बाद जीरो लगा देंगे। ठीक अगर इसी चीज का एक रिवर्स लिखा हुआ है, ठीक इसका अगर मान लीजिए कि उल्टा लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है कहने का मतलब इस टर्म में नंबर लिखा हुआ है, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, मान लीजिए नंबर लिखा हुआ है 0.3, तो जब आप इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे एक 10 लग जाएगा। ठीक इसका रिवर्स, मान लीजिए लिखा हुआ है 0.25, तो जब आप यहां पॉइंट हटाएंगे तो एक के साथ इसके बाद दो डिजिट था तो दो डिजिट दो जीरो लगा देंगे। मान लीजिए लिखा हुआ है 0.735, तो जब आप यहां से इस पॉइंट को हटाएंगे तो आप यहां 1000 लगा देंगे। ये दशमलव हटाने और दशमलव जोड़ने का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन कोई भी चीजें छोटी नहीं होती, कोई भी चीजें बड़ी नहीं होती, जो चीज है आपको जानना चाहिए, आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये एक बेसिक चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये तो हो गई मान लीजिए कि एक छोटी सी चीज, साधारण भिन्न अगर मान लीजिए ऐसे बोला जाए कि दिए गए भिन्न को साधारण भिन्न में बदलें, तो मैं आपको साधारण भिन्न का तरीका बता रहा हूं। साधारण भिन्न, इसी को इंग्लिश में सिंप्लीफाइड फॉर्म बोलते हैं, किसी चीज को सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना, एकदम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है, मान लीजिए लिखा हुआ है 0.5 divided by 0.25 लिखा हुआ है, तो इसको आप साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो सबसे पहले यहां पे गुना लगाएंगे, यहां एक जीरो हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, यहां से एक पॉइंट हटाएंगे तो एक के साथ जीरो आ जाएगा, तो आप क्या करेंगे, इस वाले जीरो और इस वाले जीरो को काट देंगे, तो ऊपर एक जीरो बच गया 10 और 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 50 और नीचे हो गया 25, तो 25 को कैंसिल करेंगे तो 25 एक 25 दूना 50, मतलब ये हो जाएगा 2। एकदम आसान तरीके से अगर देखा जाए तो ये एकदम ही आसान सा क्वेश्चन हुआ। मान लीजिए कि अगर इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए, इसी में थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा और ऊपर चले जाएं, इसको और थोड़े तरीके से सॉल्व करें, तो लिखा हुआ है कुछ ऐसा, ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है 0.25 लिखा हुआ है और डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है 0.125। देखो एक पढ़ने का भी तरीका मैं आपको बता रहा हूं, कभी भी अगर यहां 0.25 लिखा हुआ है ना, तो आप इसको 0.25 नहीं पढ़ेंगे, 0.25 नहीं पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका होता है, जो पॉइंट होता है पॉइंट के बाद डिजिट वाइज पढ़ा जाता है, किसी भी चीज को अगर पॉइंट के बाद आप पढ़ते हैं तो पॉइंट के बाद अगर आप पढ़ते हैं तो उसको हमेशा पॉइंट के बाद अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का तरीका होता है डिजिट वाइज, जैसे इसको 0.25 पढ़ेंगे, इसको 0.125 मतलब 0.125 ऐसे पढ़ेंगे आप, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मान लीजिए कि यहां के बाद दो पॉइंट है तो इसको जब आप हटाएंगे तो नीचे में एक के साथ दो जीरो आ जाएगा, और जब आप इसको हटाएंगे तो नीचे में ऊपर में एक के साथ तीन जीरो आ जाएगा, तो आप क्या करेंगे, आप इस दो जीरो को इस दो जीरो से घटा देंगे, मतलब हटा देंगे, तो फिर क्या होगा 25 मतलब 25, अब इसको 25 पढ़ेंगे क्योंकि पॉइंट हट गया, तो आप इसको 25 पढ़ेंगे, तो 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 और 125। अगर 25 का टेबल आपको आता होगा, अगर 25 के टेबल से आप थोड़ा सा भी फेमिलियर हैं, अगर मान लीजिए आप 25 के टेबल से थोड़ा सा भी फेमिलियर हैं, तो आपको करना कुछ ऐसा होगा, कुछ इस तरीके से आपको काम करना होगा कि मान लीजिए 25 चौके 100, 25 पचे 125, 25 छक 150, 25 सत्ते
25 देंगे 250, ये 10 हो गया, और इस 5 से 10 को आप काटेंगे तो 5 दूना 10 हो गया, तो इसका आंसर 2 हो गया। अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन सिर्फ एक दो बनाने से नहीं होंगे, ऐसे क्वेश्चन के बहुत सारे कलेक्शन मैं आपको हमारे चैनल में देता रहूंगा। आपको हमारे चैनल में मतलब आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, मैं हमेशा बोलता हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो इसके बहुत सारे प्रैक्टिस आपको वहां पर मिलेंगे, तो आप उस प्रैक्टिस को करेंगे तो थोड़ा सा और फंडामेंटल क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए कि कुछ क्वेश्चन ऐसा है, मान लीजिए क्वेश्चन इज लाइक दिस, क्वेश्चन लिखा हुआ है मान लीजिए 0.13 डिवाइडेड बाय 0.169, कुछ ऐसे लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, आप यहां से जब इसको हटाएंगे तो नीचे में 100 आ जाएगा और ऊपर हटाएंगे तो ऊपर में 1000 आ जाएगा, तो जीरो को जीरो से काट देंगे तो 13 130 डिवाइडेड बाय 169, तो 13 को 13 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 169 हो जाता है। तो 13 दही के 130, 13 है 169, तो ये है 10 डिवाइडेड बाय 13। इसको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 13 अगर आप सॉल्व करते हैं, इस जीरो को यहां से हटाएंगे तो 0.01 डिवाइड, यहां से मान लीजिए जीरो को आप हटाना चाहते हैं तो 1 डिवाइडेड बाय 1.3 लिखेंगे आप, ऐसा होता है सॉल्व करने का तरीका। अब इसमें आपको कुछ प्रैक्टिस करनी होगी, कुछ और डिटेल्स में आपको जाना होगा, कुछ और प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे मान लीजिए एक जोड़ का क्वेश्चन है, मान लीजिए आपको जोड़ने के लिए कहा जाए, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि सपोज कहा जाए कि 0.34 प्लस 0.25, पहले जोड़ समझा रहा हूं फिर घटाओ समझाऊंगा फिर गुना समझाऊंगा फिर भागा समझाऊंगा पॉइंट में भिन्न में, तो मैं आपको जोड़ सिखा रहा हूं। मान लीजिए 0.35 प्लस 0.25 प्लस 0.5 प्लस 0.012 ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको कैसे जोड़ेंगे आप? सिंपल अगर ट्रेडिशनल देखा जाए, नॉर्मली अगर आसान देखा जाए तो आप क्या करेंगे, आप 0.34 लिखेंगे फिर 0.25, पॉइंट एकदम सोझे सोझे आना चाहिए, ये पॉइंट एकदम सीधा सीधा आना चाहिए जोड़ के केस में, यहां पर 0.5 लिखेंगे, 5 के बाद कुछ नहीं लिखा हुआ तो 0 आप खुद से लिख सकते हैं, 0.012 लिखा हुआ, तो देखो इसके ऊपर कुछ नहीं है तो सबके साथ एक एक जीरो ले लीजिए आप, सबके साथ एक एक जीरो लेंगे और सबों को जोड़ना है तो 0000002 हो गया, तो इसको आपने 2 किया, 5 4 9 और 1 10 का 0 हाथ में रहा 1, 5 2 7 3 10 और 1 11 के 1 हाथ में 1, 0 0 0 मतलब 1.102 हो गया इसका आंसर। ये जोड़ने का तरीका होता है, भिन्न को जोड़ने का तरीका होता है। अब इतनी चीजें हैं इससे रिलेटेड, और भी मैं आपको भिन्न का, अच्छा माइनस करने का आपको तरीका बताता हूं। मान लीजिए कि माइनस करने के लिए 0.75 प्लस 0.25 माइनस 0.13 ऐसे लिखा हुआ है, तो 7 देखिएगा तो 5 5 10 में 3 घटा देंगे तो 7 हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं, 7 2 9 में 1 घटा देंगे तो 9 में 1 घटा देंगे तो 8 हो जाएगा और 0.0087 हो जाएगा। ये एक नॉर्मल तरीका है, मतलब जब आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा, जब कैलकुलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तब आप ऐसे काम करेंगे, लेकिन अगर मैं अभी आपका कैलकुलेशन ठीक है तो जिस जिस नंबर के सामने प्लस है उसको आप पहले लिखिए 0.75 0.25 लिखिए, इसको पहले जोड़ लीजिए 5 5 10 0 1 7 2 9 5 5 10 0 1 7 2 9 1 10 0 1 और 1 0.75 पैसा और 25 पैसा को जोड़ेंगे तो 1 रुपया होगा। अब इस 1 रुपया में 0.13 को माइनस कर दीजिए तो ऐसे में यहाँ 0 है, इसके आगे 1 है, ये बड़ा है तो यहाँ से एक ऋण लिया जाता है, यहाँ से एक ऋण लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 में 3 घटाएंगे तो 7, यहाँ बचा 9 में 1 घटाएंगे तो 8 और ये 0.87 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब वीडियो के एंड में आप स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में सीख लीजिए कि स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है, यह मैं आपको बता रहा हूं कि स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है। मान लीजिए 0.7259 में
या 7 to 5 9 है, जीरो पॉइंट नहीं है, मान लीजिए पॉइंट लगाएंगे तो फिर डिवाइड करना पड़ेगा, इस पॉइंट को हटा दीजिए और 7 to 5 9 3 है, 7 to 5 9 3 में अगर मान लीजिए आपको दो का स्थानीय मान पूछा, दो का स्थानीय मान पूछा तो दो लिखिए, उसके बाद तीन डिजिट है तो तीनों तीन जीरो लगा दीजिए, 2000 हो गया इसका स्थानीय मान। मान लीजिए इसी में पूछा सात का स्थानीय मान तो सात लिखेंगे, और उसके बाद चार डिजिट है तो चार जीरो लगाएंगे, 9 का स्थानीय मान 9 और 3 का स्थानीय मान 3, 5 का स्थानीय मान 5, सो ऐसे लिखा जाता है, स्थानीय मान बोलते हैं स्थानीय मान। अब जातीय मान लिखना है, मान लीजिए यहां पर मैं बता रहा हूं जातीय मान लिखना इसी नंबर का 7 to 5 9 3, 7 to 5 9 3 का में 5 का जातीय मान 5 हो जाएगा, या मान लीजिए 9 का जातीय मान 9 हो जाएगा, 7 का जातीय मान 7 हो जाएगा, 2 का जातीय मान 2 हो जाएगा, 3 का जातीय मान 3 हो जाएगा। डायरेक्ट जातीय मान मतलब वही नंबर हूबहू जो होता है, जो नंबर्स दिख रहे हैं उसी को जातीय मान में डायरेक्ट लिखा जाता है। लेकिन स्थानीय मान लिखने का तरीका यह होता है कि किसी भी नंबर का अगर आपसे स्थानीय मान पूछा जाए तो उस नंबर के बाद जितने डिजिट हैं उन सारे डिजिट्स को, मान लीजिए उन सारे डिजिट्स को के बाद जितने, मतलब पॉइंट के जिस नंबर का स्थानीय मान पूछा है उस नंबर के बाद जितने डिजिट है उस डिजिट के साथ जगह पर 000 लगा देना। तो ये हुआ डेसिमल। डेसिमल लिखते कैसे हैं, डेसिमल हटाते कैसे हैं, हटाने के बाद जीरो कैसे लगाते हैं, जीरो हटा के पॉइंट कैसे लगाते हैं, स्क्वायर स्क्वायर रूट आपको याद होना चाहिए, जोड़ते कैसे हैं, भिन्न को जोड़ते कैसे हैं, भिन्न को घटाते कैसे हैं, ये एक छोटा सा वीडियो हुआ। ये वीडियोस, ये भिन्न का जोड़ घटाव यहाँ पर खत्म नहीं होता है, इसके अलावा और भी क्लासेस होंगे, आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, आप वीडियोस देखते रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। अगली क्लास में जब, अगले वीडियोस में या अगले क्लास में जब भी हम लोग जुड़ेंगे तो उस वक्त मैं आपको ये सिखाऊंगा कि इस पर्टिकुलर भिन्न के दशमलव के साथ मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, गुणा कैसे किया जाता है, इसके बारे में बताएंगे। तो यूं समझ लीजिए कि अगर आपको मैथमेटिक्स का डर है और आपको मैथमेटिक्स से डर लगता है तो वो डर हटाने का समय आ गया है, आप अपने अंदर से मैथ्स का डर हटा दीजिए। मैथ्स से डरने की जरूरत नहीं है, बेसिक से शुरू किए हैं, आगे बढ़ते जाएंगे, क्लासेस करते रहिए, आपको डेफिनेटली फायदे होंगे। बने रहिए वीडियो के साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ सीखने के लिए और हमारे साथ विचारों का साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो देखने के बाद भी आपको कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें। अगर आपके मन में कोई सवाल उठते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करने के टाइम में किसी क्वेश्चन में फंस जाते हैं तो आप जरूर जाकर कॉमेंट बॉक्स में उस फोटो को या और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लिखिए, मैं क्लासेस में उसका वीडियोस बनाकर आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग कनेक्टेड विद अस, थैंक यू।